अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली में जामे मिलिया यूनिवर्सिटी की हमारी एक बच्ची को, सफूरा जरगर को, हामिला है 4 महीने की, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एक और लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। और क्या सेक्शन लगाया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन लगाए गए। क्या जुर्म है इनका? क्या जुर्म है कि खामिला बच्ची को जेल में डाल दिए? हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, होम मिनिस्टर से, कि ये क्या हो रहा है? एक खामिला लड़की को गिरफ्तार करना, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना, उन पर यूएपीए लगाना, और यूएपीए का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13, 16, 17 और 18 लगाना। यानी इसका पनिशमेंट क्या है सेक्शन 16 और 18 का? कि इसका पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, यानी सजा होगी जो टेररिस्ट एक्ट, ये टेररिज्म कर रहे थे लोग। CAA के खिलाफ, NPR, NRC के खिलाफ आवाज उठाना है टेररिस्ट एक्शन है। अजीब बात है। और फिर सेक्शन 13 लगाना, अनलॉफुल एक्टिविटी, एहतजाज करना अनलॉफुल एक्टिविटी कब से हो गया? और यूएपीए का एक्ट लगाना, और ये सेक्शन 16 और 18 कहां से आया? मैं हमेशा यूएपीए के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं। जब हम यूपीए की तायीद कर रहे थे उस वक्त भी उसकी मुखालिफत में वोट दिया था। अब 2019 में जब इसमें तरमीम की गई, अब उस वक्त भी हमने और इम्तियाज जलील MP ने मुखालिफत की। आप अंदाजा लगाइए कि सेक्शन 16 और 18 को पोटा के उसमें, पोटा का जो एक्ट था इसमें डाल दिया गया। और फिर आप सोचिए कि ये यूएपीए कितना एक जुल्म है, इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इतना गंदा किस्म का कानून है कि इसका आप सेक्शन 43D देखिए, बेल प्रोविजन का, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 पोटा का। और क्या कहता है कि इसमें बेल मिल ही नहीं सकती आप, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये कहता है कि जब तक कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ना सुन ले, मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे देगा। और फिर चार्जशीट को देखने के बाद, तो जो एक्यूज्ड है यानी सफूरा जरगर को, जो 3 महीने की हामिला है ये बच्ची, उसको अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा बेल के लिए, यानी पहले दिखाना पड़ेगा, ये तो ट्रायल में होता है। मगर उसको और दूसरी जो लड़की को पकड़ा गया है और दूसरे दीगर लोगों को, उनको बेल की हियरिंग में अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले बेल मिलने के लिए। यानी ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ही नहीं उसमें। इसीलिए गंदा कानून ये यूएपीए में इन बच्चों को डाला गया। अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखती है FIR में, दिल्ली पुलिस लिखती है प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी? कहां की कॉन्स्पिरेसी है? और फिर इसीलिए ये एक तरीके से सिर्फ मुसलमानों के ऊपर यूएपीए का इस्तेमाल करना, ये हम वजीर आजम से और होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि यूएपीए का सिर्फ मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, जो जो जिस किसी हुकूमत के खिलाफ रहेंगे उनके खिलाफ कब तक इस्तेमाल होगा? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों पर यूएपीए इस्तेमाल नहीं होगा, चलिए यूएपीए छोड़ दी, उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। और 3 महीने की हामिला बच्ची को यूएपीए टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया। जो बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो आज आराम से बैठे हुए हैं। और ये इस लड़की को जो 3 महीने की हामिला है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आप बताइए, जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली के माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर सेडेशन का केस। अरे आखिर के कहां जाएगा ये? उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने खुद कहा कि इस मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं।
मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सेडिशन लगाएंगे आप, कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के, मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में जब दिल्ली के फसादात पर बहस हुई थी, होम मिनिस्टर के बयान के बाद मैंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर जिस खदशे का इजहार किया था कि इंसाफ नहीं होगा मुसलमानों को दिल्ली के फसादात में, ये एक जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और वो सही साबित हो रहा है। आज सफूरा जरगर के ऊपर, वो बच्ची के ऊपर इस तरह का यूएपीए के सेक्शंस को इस्तेमाल करना, इससे क्या इंसाफ होने वाला है? क्या CAA का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, NPR NRC के हिस्सा लेना, कोई कौन सा, ये यूएपीए लगा देंगे आप उनके ऊपर? अफसोसनाक बात, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का आपको पहले पता चले।